रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब तक 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। शुरुआती समय में महज कुछ दिनों का ही युद्ध मान रहे रूस को यूक्रेन ने एक के बाद एक कई झटके दिए हैं। अब चेचन्या के कमांडर और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खास समर्थक रमजान कादिरोव ने युद्ध को जिहाद के रूप में बताया है। कादिरोव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक वीडियो संदेश में कहा, हमारा क्षेत्र ज़ापोरिज्या नहीं है, केरसोन नहीं है, हमारा क्षेत्र ओडिशा, कीव, खार्किव है। हर क्षेत्र और समग्र रूप से यूक्रेन हमारा रूसी क्षेत्र है। इसके साथ ही रमजान ने रूसी मुसलमानों को राक्षसों और शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया है। बचाव नहीं बल्कि आक्रामक होने का लिया फैसला। कादिरोव ने अपने 3 मिलियन यूजर्स को बताया, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो अंत तक जाएंगे और हमने बचाव नहीं करने बल्कि आक्रामक होने का फैसला किया है। हालांकि कादिरोव ने चेचन्या के लड़ाकों को हुए नुकसान को स्वीकार नहीं किया। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने दावा किया था कि सोमवार को दक्षिणी यूक्रेन के केरसोन क्षेत्र में उनके अस्थायी अड्डे पर हमले में दर्जनों चेचन्या लड़ाके मारे गए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी कादिरोव ने कहा कि 8 महीने के अभियान में रूसी सैनिकों को सौंपे गए पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए यूक्रेनी सेना के आगे होने के बावजूद उनके नियंत्रण में इकाइयां आक्रामक होने के लिए तैयार थीं। शैतानों को बंदी नहीं बनाएंगे, जला देंगे, कादिरोव ने कहा, मैं आपको अपने शब्द देता हूं, हम हर दिन उन पर हमला करेंगे, हम इन शैतानों, इस्लाम में बुरी आत्माओं को बंदी नहीं बनाएंगे, हम उन्हें जला देंगे, हम कहीं नहीं रुकेंगे। कादिरोव ने कहा, मैं आज की स्थिति से बहुत असंतुष्ट हूँ, लेकिन जो लोग शीर्ष पर हैं, वे मुझसे ज्यादा समझते हैं। कादिरोव ने धार्मिक शब्दों में अभियान चलाते हुए रूस के उत्तरी काकेशस के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से अधिक लोगों को बुलाया और लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा। उसने कहा, यह एक महान जिहाद है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए।